ज्ञान के जिस सूर्य ने आलोक इस जग में किया, ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। जिसने सराखों के लिए सर्वस्व अर्पण कर दिया, सर्वस्व अर्पण कर दिया। जिन धर्म शिक्षा संस्कृति निज संस्कार को बल दिया, निज संस्कार को बल दिया। ऐसे ज्ञान के सूर्य का जग ने महावंदन किया, ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। तुमने स्वयं अपना समाज उत्थान को अर्पित किया, उत्थान को अर्पित किया। महावीर के महाधर्म के महाअर्थ को व्याख्यित किया, महाअर्थ को व्याख्यित किया। सरा को धारक जग ने पद इसीलिए तुमको दिया, ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती अनीता, श्री कैलाश चंद जैन, मानव प्रिया, अबीर विहान, रिवन जैन, रोजिन, सोनम, तराशा, माइशा। पता: ज्ञान कुटीर, KE 63, कावेरी कुंज, कमला नगर, आगरा। श्री रुपेश कुमार जैन, श्रीमती नीलम जैन, चांदी वाले। पुत्री कुमारी गुनगुन जैन, ज्ञान निकेतन, E 433, कमला नगर, आगरा, उत्तर प्रदेश। जो तीर्थ यात्रा के लिए किसी ने दान दिया है, मंदिर के लिए कोई दान दिया है, अन्य किसी रूप से जो दिया है दान, उस दान का जो दुरुपयोग करते हैं, ऐसे लोग दुर्गति के पात्र हो सकते हैं। जैन दर्शन में ही नहीं, सभी धर्मों में निर्माल्य का जो दिया हुआ दान है उसे निर्माल बोलते हैं। अगर उसका उपयोग करता है तो जहां वह टेंशन तनावों का शिकार होता है, वहीं शारीरिक पारिवारिक बिजनेस की समस्याएं आती हैं और परलोक में दुर्गति का पात्र होता। उसी चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। पुत्र कलत विदुरो दारिद्रो पंग मूक बहिरंधो चांडालाद कुजादो पुया दानाद दबहरो। बंधु, जो पूजा दान आदि द्रव्य का हरण करता है, उसकी चोरी करता है अथवा उसका उपयोग अपने लिए करता है, ऐसे लोग पुत्र रहित, स्त्री रहित, दरिद्री, लंगड़े, गूंगे, बहरे, अंधे और चांडाल आदि निम्न जाति में उत्पन्न होकर के संसार के दुखों को भोगते हैं। बंधु, जीवन बहुत अमूल्य है और हमारी भारतीय संस्कृति एक प्रामाणिक न्याय नीति नैतिकता की संस्कृति है। दूसरों के द्वारा दिया हुआ दान और उसको हड़प लेना,
मंदिर के दुकान मकान बहुत पहले से ले रखे हैं आपने, और वही पुराना किराया चल रहा है, तो ये उचित नहीं है। क्योंकि भगवान से ही हमें सब कुछ मिलता है, उनकी भक्ति आदि सब कुछ मिलता है, और देने वाले के साथ ही तुम न्याय नहीं करोगे तो तुम कैसे जीवन में पनपोगे। अन्याय अन्य लोगों के साथ करो, मंदिर और तीर्थ क्षेत्र या निर्माल्य द्रव्य को हड़पना मंदिर के दुकान मकान आदि है, तो वर्तमान में उसका जो किराया है उस किराए को दो, अन्यथा अब पुराना मकान पुराने समय से चल रहा है, हमारी कोठी भी बन गई है, फिर भी हम दूसरों को किराए पर उठा रहे हैं, ऐसे लोगों के जीवन में पारिवारिक शांति नहीं मिलेगी। मैंने कल बताया था, हमारे यहाँ तो निर्माल्य को छू लेते थे, लाल थैली में मंदिर का सारा सामान रखते थे, और अगर वह छू जाता था तो हाथ धोते थे। आज लोग कहते हैं धर्म का खाते हैं, धर्म का थोड़ी खा रहे हैं भैया। सोचो विचार, आदमी कैसे कैसे दो पैसे मंदिर के गोलक के लिए, दो पैसे मंदिर के कार्यों के लिए, धर्म कार्यों के लिए निकालता है। लोग तो उदारता का परिचय देते हैं, बहुत तरह की विसंगति आ गई है। मंदिर का पैसा कम ब्याज पे ले लेना और ज्यादा ब्याज में दे देना, बहुत तरह की स्थितियां हैं। इसलिए हमारी संस्कृति तो देने की रही है, हड़पने की नहीं रही है। इसलिए निर्माल्य का जिन्होंने जीवन में खाया, तीर्थ क्षेत्र आदि का या अन्य कोई इस तरह का दिया हुआ दान का पैसा कभी कोई हजम नहीं कर सका है, इसलिए हमेशा बचना चाहिए। मंदिर की जो भी चीजें हैं उन चीजों का उपयोग करते हैं तो मैं उसके बदले में मंदिर में गोलक आदि या रसीद आदि। अब आप पूजा करते हैं पूरे वर्ष तो मंदिर की सामग्री चढ़ाते हैं, और थोड़ा सा आपने दान लिखा दिया तो ये उचित नहीं है। अगर चाहिए सामग्री तो उसका पूरा दान आदि दे करके, तो ये है रेल सार ग्रंथ की बात की झमामणि पर। और जैनियों के या ये विशेष रूप से हमारे मुस्लिम भाइयों के यहाँ जो ईद है वह भी परस्पर में एक दूसरे के गले मिलती है। कलुषता को दूर करने के लिए, मन मिटाव को मिटाने के लिए यह सब प्रक्रिया हमारे यहाँ चलती है, और हम लोग इस क्षमामणि पर्व को जनरल रूप से विश्व मैत्री दिवस के रूप से भी हम लोग बड़े विशाल आयोजन के साथ सभी धर्मों के लोग इसमें शामिल होते हैं। तो यह क्षमामणि पर्व है, बड़ा महत्वपूर्ण पर्व है, और इस क्षमामणि पर्व का पारमार्थिक क्षेत्र में स्वर्ग और मोक्ष से संबंध है, वहीं इस क्षमामणि पर्व का हमारे लौकिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। बंधु, यह क्षमामणि पर्व आत्मशोधन का पर्व है। हम दूसरों की तो आलोचना निंदा करते हैं, लेकिन स्वयं की निंदा गर्रा किए हुए प्रायश्चित का पश्चाताप कर, क्रोध के आवेश में आकर के व्यक्ति अंधा हो जाता है और पता नहीं क्या क्या बोल जाता है, क्या क्या उसका
ऐसा दुर्व्यवहार होता है, एक क्रोध होता है, एक बैर होता है, मैंने आपको बताया था। क्रोध तो आता है चला जाता है और बैर तो गांठ पे गांठ बांधता चला जाता है। जीवन में कभी बैर मत करना किसी के साथ। ये थोड़ी सी जिंदगी तुम्हें मिली है, कब किसका जीवन में क्या हो जाए। सुरे असुरे खगा दीप जेते मृग जो हरि काल दलेते, मणि मंत्र तंत्र बहु होई मरते न बचावे कोई। भैया जिंदगी का भरोसा नहीं है, तू किस किस से शत्रुता कर रहा है, किस किस से बैर की गांठ बांध रहा है। पर शोक की भावना जहां रोगाणु बीमारी के कारण है, विषाणु बीमारी के कारण है, वहीं जीवन में प्रसोद की भावना, बदले लेने की भावना, इसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं भी देख लूंगा, ये हमारी संस्कृति नहीं रही। हमारी संस्कृति तो श्रेष्ठता की संस्कृति, दया की संस्कृति, करुणा की संस्कृति, परोपकार की संस्कृति, सेवा की संस्कृति, नम्रता की संस्कृति है। अहिंसा रूपी वृक्ष पर क्षमा दया करुणा प्रेम वात्सल्य मैत्री सद्भावना के फल फलते हैं, और हिंसा रूपी वृक्ष पर क्रूरता बैर दुर्भावना प्रसोद की भावना अहंकार की भावना संवेदनशील रहितता की स्थितियां, यह सब हिंसा रूपी वृक्ष पर फलते हैं। तो यह क्षमामणि पर्व आत्मशोधन का पर्व है, यह क्षमामणि पर्व मैत्री का पर्व है। अपने परिवार में नहीं, अपनी समाज में नहीं, अपने गली मोहल्ले में ही नहीं, केवल मानव जाति से ही नहीं, भगवान महावीर की बहुत विशालता रही, बहुत व्यापक विचार थे, विराट व्यक्तित्व था भगवान महावीर का। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम क्षमाशील थे, सहिष्णु थे। हजरत मोहम्मद साहब का जीवन सहिष्णुता का जीवन रहा है। महात्मा बुद्ध क्षमाशील थे। ईसा मसीह, मैं कितनों की बात आपको सुनाऊं, यह क्षमा आत्मा का गुण है और क्रूरता यह विकारी परिणति है, यह पराई थी। जीवन हमें मिला है मैत्री की भावना। मेरी भावना की पंक्तियां आप सबको याद, और वे याद दिलाऊंगा आपको। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे और से करुणा स्रोत बहे, दुर्जन क्रूर कुमार गिरतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जावे। मैत्री भाव अपने परिवार में नहीं, अपनी समाज में नहीं, अपने जिले मुजफ्फरनगर में नहीं, उत्तर प्रदेश योगी सरकार में नहीं, नरेंद्र मोदी सरकार केवल भारत में ही नहीं, वह अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड में ही नहीं, पूरे विश्व के जितने प्राणी हैं, वह पेड़ पौधे उनमें भी चैतन्य शक्ति है, उनमें भी श्री राम
भगवान राम की आत्मा छुपी हुई है उसमें, ब्रह्म शक्ति उसके अंदर है, पूरे विश्व के प्राणी मात्र के प्रति क्षमा भाव। यह सुखी बनने का बहुत बड़ा फार्मूला है। अवसाद डिप्रेशन से बचने के लिए बहुत बड़ा, और तन को स्वस्थ बनाने के साथ आत्मा को स्वस्थ बनाने का ये मैत्री की फसल बोई है। आप तो शत्रुता के, बैर के, क्रोध के फसल में सभी एक्सपर्ट है, सारे चैंपियन हैं शत्रुता की फसल बोने में। पूरे विश्व ने इस बैर की फसल बो करके स्वर्ण पदक तो खूब जीते हैं। अब एक बार क्षमा मणि मैत्री के फसल बोले और जीवन में आनंद की अनुभूति की। अरे अपनों को तो सब गए लगाते हैं, लेकिन परायों को, शत्रुओं को, विरोधियों को भी जो मैत्री के व्यवहार से जीतता है। साइंस में एक टेलीपैथी है, और आपके मन में सद्भावना है तो सामने वाला कितना क्रूर से क्रूर व्यक्ति हो, अपने सद्भावना से, मैत्री के व्यवहार से, सहिष्णुता से, क्षमाशील गुण से सामने वाले शत्रु को भी आप मित्र बना सकते। यह है वैज्ञानिक तथ्य, टेलीपैथी। और आपके मन में दुर्भावना है तो सामने वाले के मन में ऑटोमेटिक दुर्भावना आ जाती है। सत्वेश मैत्रिम, पूरे विश्व के प्राणियों से प्रेम की। और आज का मानव तो इतना संवेदनहीन हो चुका है कि अपनी समाज में, अपने परिवार में भी सद्भावना नहीं रही। और मैं एक बात हमेशा कहता हूं, अभी तक तो अन्य लोगों में, परिवार के लोगों में मनमुटाव होता था, आज तो दाम्पत्य जीवन, पति और पत्नी एक तो कांग्रेस में है और एक भाजपा में, एक सपा में है, एक बसपा में है। अभी आपकी बात मेरी बात आपके समझ में नहीं आई। दोनों में 36 के आंकड़े, पूर्व और पश्चिम एक दूसरे के विरोधी हो, उसका नाम है दाम्पत्य जीवन। ऐसा है नहीं, लेकिन आपकी जीवन शैली बता रहा हूं। ये तलाक जैसी बीमारी पाश्चात्य देशों में, विदेशों में थी, हमारे इस राम के देश में, महावीर के देश में, बुद्ध के देश में ये बीमारियां नहीं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती अनीता, श्री कैलाश चंद जैन, मानव प्रिया, अबीर, विहान, रिवन जैन, रोजिन, सोनम, तराशा, माइशा, पता ज्ञान कुटीर, KE 63, कावेरी कुंज, कमला नगर, आगरा, श्री रुपेश कुमार जैन, श्रीमती नीलम जैन, चांदीवाले, पुत्री कुमारी गुनगुन जैन, ज्ञान निकेतन, E 433।